ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। रुख करते हैं ईरान की तरफ। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के परमाणु नीतियों पर तीखा बयान दिया है। ईरान 20% तक की शुद्धता वाली परमाणु ईंधन यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। अमेरिका ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है। ईरान ने हाल ही में पश्चिमी देशों की इच्छा के विरुद्ध अपने मिसाइलों का परीक्षण किया। ईरान ने दिखाया कि उसमें है दूसरे देशों से टक्कर लेने की हिम्मत। अब एक बार फिर यूरेनियम के संवर्धन के लिए उसे अमेरिका से तीखा व्यंग झेलना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान ने फोर्डरे में क्योम शहर के नजदीक एक अंडरग्राउंड प्लेस में 20% तक की शुद्धता वाले यूरेनियम को संवर्धित करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे आसानी से हथियार बनाए जा सकते हैं। इस खुलासे के बाद अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दिए गए प्रस्तावों के अंतर्गत परमाणु दायित्वों का ये उसकी ओर से एक और उल्लंघन होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान का यह कदम उचित नहीं है, उससे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। वहीं IAEA ने कहा कि यूरेनियम की बढ़ोतरी के लिए जमा की गई सारी परमाणु सामग्री पर उसकी नजर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से इससे पहले ईरान को परमाणु हथियार बनाने और संवर्धन संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए कई बार आगाह किया जा चुका है, लेकिन ईरान का परमाणु संवर्धन लगातार जारी है। ऐसे में पश्चिमी देशों के लिए यह एक चिंता का विषय साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, JNN न्यूज। दुनिया भर में पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले अब एक आम बात सी होती जा रही है। ताजा मामला सीरिया का है। सीरिया के होम्स में एक फ्रेंच पत्रकार की हत्या कर दी गई, साथ ही 8 लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। फ्रेंच पत्रकार गिल्स जैकियर उन लोगों में शामिल हैं जिसकी सीरिया के सेंट्रल सिटी होम्स में हत्या कर दी गई। गिल्स पहले पश्चिमी पत्रकार हैं जिनकी हत्या सीरिया में हुई है। होम्स में पिछले 10 महीने में लगातार लोगों की मौत हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने भी गिल्स की प्रशंसा की थी। आप मेरे पहले शब्द को समझेंगे और निश्चय ही आप मेरे साथ देंगे। मुझे गिल्स से सहानुभूति है। सीरिया में अपना जीवन खोने वाले इस यंग पत्रकार ने फ्रांस टेलीविजन के लिए पत्रकारिता की। हम लोगों को पत्रकारों की परेशानियों को याद दिलाने के लिए काफी है। काफी साहस होना चाहिए पुरुष और महिलाओं में जो हो रहा है उसकी सच्चाई बताने के लिए। उनके सहकर्मियों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि गिल्स की मौत हो गई है। हम लोग स्तब्ध हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा। हमें काफी दुख है क्योंकि वो काफी अच्छे रिपोर्टर थे और अच्छे दोस्त भी। हम उनकी संवेदनशीलता के लिए और अच्छी मानवता के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। गिल्स जैकियर इससे पहले इराक और अफगानिस्तान में पत्रकारिता कर चुके थे। सीरिया सरकार ने गिल्स को पत्रकारिता के लिए बुलाया था। गिल्स की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। 43 वर्षीय इस पत्रकार ने वेस्ट बैंक, इजराइल और अफगानिस्तान के संघर्ष को भी कवर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, JNN न्यूज। अब एक नजर डालते हैं आर्थिक खबरों पर। विश्व में फ्री मार्केट्स और उदार अर्थव्यवस्था के पैमाने पर हांगकांग एक बार फिर खरा उतरा है। सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में पिछले 18 साल से लगातार हांगकांग पहले स्थान पर बना हुआ है।
फ्री मार्केट्स और लिबरल इकोनॉमी के स्केल पर हांगकांग को एक बार फिर विश्व की सबसे फ्री इकोनॉमी कंट्री का दर्जा मिला है। पिछले 18 सालों से ये ताज लगातार हांगकांग के पास ही है। हेरिटेज फाउंडेशन नाम के एक संस्था ने साल 2012 के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक हांगकांग के बाद इस लिस्ट में सिंगापुर दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर है। पहले स्थान के लिए हांगकांग को सिंगापुर से कड़ी टक्कर मिल रही है। आर्थिक उदारता का यह आकलन हेरिटेज फाउंडेशन किसी देश की लीगल स्ट्रक्चर, प्रशासनिक कार्य व्यवहार, सरकारी ढांचे और मुक्त बाजार के आधार पर करता है। इस गिरावट की वजह दुनिया में सरकारों की ओर से खर्च का नापतोल और बढ़ोतरी है। सरकारों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस खर्च को जायज ठहराया है, लेकिन यह रणनीति कारगर साबित नहीं हुई है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी के बीच यूरोप में आर्थिक उदारता में कमी आई है, जबकि एशिया और अफ्रीका क्षेत्रों में आर्थिक उदारता बढ़ी है। साल 2011 के मुकाबले अमेरिका 9वें स्थान से खिसक कर 10वें पर आ गया है, जबकि चीन इस श्रेणी में 138वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल में विश्व भर में मुक्त बाजारों की संरचना और आर्थिक उदारता में गिरावट आई है। गीता मिश्रा, न्यूज डेस्क, GNN न्यूज। हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में हम आपको हर बार बताते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस बार हम बताने जा रहे हैं आपको IAEA के बारे में। परमाणु संकट मौजूदा समय में एक विश्व संकट के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। ऐसे में परमाणु शांति के लिए काम करने वाले संगठनों का महत्व बढ़ जाना लाजमी है। आज हम अपने इस स्पेशल सेगमेंट में आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही संगठन के बारे में जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। दुनिया में परमाणु साम्राज्य पर अंकुश बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1957 में एक संगठन की स्थापना की। जिसका नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इस संगठन के संस्थापक यूएस के प्रेसिडेंट इशन हावर थे, जिन्होंने 8 दिसंबर 1953 को इसके प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली में रखा। अक्टूबर 1956 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिवार के 81 देशों ने इस संगठन को मंजूरी दे दी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दुनिया में परमाणु सहयोग का केंद्र है। IAEA का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। वर्तमान में युकिया अमानो इस संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ परिवार में IAEA एक फ्री इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित एक संगठन भी। ये संगठन सुरक्षित और शांतिपूर्ण एटॉमिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने सदस्य देशों का सोशल और इकोनॉमिक फायदे के लिए मार्गदर्शन करता है। ये सहयोगी देशों के साथ टेक्नोलॉजी और नॉलेज का भी आदान प्रदान करता है। ये संगठन इस बात का निरीक्षण भी करता है कि कोई देश अपने स्वार्थ के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर विश्व शांति को भंग न करे। इस संगठन का एक और उद्देश्य है, ये सुरक्षा और ऊर्जा सामग्रियों की रक्षा भी करता है। हर देश में न्यूक्लियर सिक्योरिटी की ये जिम्मेदारी है कि वे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, खास करके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ऐसे कई केसेस आते हैं कि हमारे सोर्सेस लॉस्ट हो जाते हैं, इससे अगर हम रोक पाते हैं तो ये उपयोग में लाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सहयोग हमेशा से परमाणु क्षेत्रों में मिलता रहा है।
चाहे वो 1986 का चेर्नोबिल डिजास्टर हो या फिर जापान के फुकुशिमा में परमाणु रिएक्टर में विस्फोट। IAEA की बेहतरीन नीतियों की बदौलत विश्व में परमाणु शांति बरकरार है। गीतम मिश्रा के साथ न्यूज डेस्क JNN न्यूज। हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार जारी रहेगा देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ अराउंड द वर्ल्ड।